Hey, good morning. Very good morning to all of you, my friends. और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं श्रेया और आज है संडे मॉर्निंग. बहुत ही खूबसूरत मौसम भी और आप वीडियो दिखा देते हैं ये देखिए. तो मौसम काफ़ी अच्छा है. अरे नो आपको दिख रहा है ये नहीं. काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है. बारिश का टाइम है और फिर गणपति का भी टाइम है. तो बहुत सारी नीचे जो हमारी बिल्डिंग के नीचे प्रिपरेशन हो रही है जो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. फिलहाल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी संडे रूटीन. तो मुझे भी गणपति की बहुत सारी तैयारी करनी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और इसी के साथ साथ आज मैं लंच में क्या प्रिपेयर करने वाली हूँ और ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है इसका भी मैं आपके साथ पूरा अपना रूटीन शेयर करूँगी. मगर अभी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है प्लस प्लीज़ तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये संडे रूटीन ब्लॉग जिसमें बहुत सारे हैं मुझे काम. मुझे गणपति के लिए डेकोरेशन भी करना है, कुछ सामान भी लेना है और कल के पूजा के लिए तैयारी भी थोड़ी बहुत करनी है. और आपको सब पता चलेगा मैं क्या क्या करने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सुबह सुबह की शुरुआत दोस्तों चाय से होती है. तो यहाँ मैंने एक साइड चाय रख दिया है, दूसरी साइड मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी और इसलिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है. अब मैं इसमें मैक्रोनी डाल देती हूँ ताकि ये उबल जाए. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और एक तरफ तो चाय बन रही है तो मैक्रोनी को हम बॉईल कर लेते हैं. पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे के जो है पैन के साइड में वो चिपके नहीं. अब इसके बाद जो है देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है और दूसरी तरफ चाय भी ऑलमोस्ट रेडी ही है. यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ना इनके लिए चिया सीड्स जो है, यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए चिया सीड्स जो है वो रेडी कर लिया है और अपने लिए जो है एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया. ये इनको मैं चिया सीड्स देती हूँ जिसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही. तो अब मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर पीऊँगी. तो यहाँ मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर के साथ सिनेमन पाउडर लूँगी या आप लेमन वाटर के साथ भी ले सकते हैं. ये आपका जो गली पैटर है उसको घटाने के लिए बहुत हेल्प करता है और ये स्वच्छ में बहुत ही जो है ना कहते हैं उसको बहुत ही कारगर नुस्खा है. तो ट्राई ज़रूर करिए अगर आपको बैली फैट है. एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. फिलहाल मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो इस वजह से मुझे काफ़ी फर्क पड़ा है, ज़्यादा फर्क पड़ा है. जैसे कि दोनों बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ भी ले सकते हैं लेमन वाटर के साथ. तो फिलहाल मैं एप्पल साइडर विनेगर के साथ ले रही हूँ इसे गर्म पानी में. यहाँ पे मैं चाय रेडी हो गई तो उसको मैं सब सर्व कर देती हूँ, सबको दे देती हूँ. और मम्मी के लिए क्योंकि वो शुगर पेशेंट है तो उनको बिस्किट और चाय दे देते हैं. तो मैक्रोनी देखिए बिल्कुल बॉईल हो गई है. ऑफ़ कर देते हैं गैस की फ्लेम को. यहाँ पे वेजिटेबल्स लिए, देखिए गार्लिक करके चॉप करके ले लिया है, स्वीट कॉर्न है, इसी के साथ कटे हुए जो है कैप्सिकम और अनियन है. शिमला मिर्च से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है. तो ये सब मैंने बैगरिक काट के पहले ही से रख लिया है. एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेते हैं. आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप इसके जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है यहाँ पे क्योंकि हम वाइट सॉस मैक्रोनी बनाने वाले हैं तो इसके लिए बटर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. इससे आप चाहें तो वो डाल सकते हैं. तो फिलहाल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बटर पिघलने का, थोड़ा वेट करते हैं. जैसे ही बटर पिघलने लगे उसी के साथ मैं इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक बिल्कुल डाले, ज़रूर डाले, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. और पास्ता या मैक्रोनी आप जब भी बनाते हो गार्लिक उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है. तो गार्लिक जब थोड़ा सा ना देखिए इस तरह रेड कलर हो जाए तो अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे. प्याज को डालने के बाद हम उसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में देखिए ना हो जाता है. तो इसमें ब्राउन कलर आना भी शुरू हो गया. अब हम इसी स्टेज पे इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं. शिमला मिर्च को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको नहीं इतना पकाना नहीं है. और उसी के साथ स्वीट कॉर्न भी डाल देते हैं. हम इसे आधा मिनट के करीब इसे फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा कच्चापन बस चला जाए इतना.
अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देने के बाद ना हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे गर्म पानी। ध्यान रखिए गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज। गर्म पानी में मायोनीज बहुत अच्छे से मिल जाएगा ताकि मायोनीज जल्दी से इसके साथ मेल्ट भी हो जाएगा। तो इस वजह से गर्म पानी डाला है। अब अच्छे से मायोनीज को देखिए मिक्स कर लेते हैं सब्जियों के साथ। जब ये पूरी तरह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसके बाद हम इसमें सीजनिंग डालेंगे थोड़ा। अभी फ़िलहाल मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तीखा बिल्कुल ना पसंद करते हो बिल्कुल ना डालें। और इसमें मैं बेजिल लीव डाल रही हूँ और मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। आपके पास बेजिल वगैरह नहीं है तो आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं और इसके बगैर भी बना सकते हैं। वैसे इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल सकते हैं कुछ भी। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें जो बॉयल की हमारी मैक्रोनी है वो डाल देते हैं। बिल्कुल आप इसी तरह से पेने पास्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देने के बाद अब हम इसमें ना थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। अब अपने अनुसार डालिए सॉल्ट। अब बस अच्छे से मिक्स कर देना है। 2 मिनट के लिए इसे हमें ऑन करके गैस पे ही रखना है। बिल्कुल रेडी हो जाए तो देखिए इस तरह से प्लेट में निकाल दीजिए। अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा चीज़ इस तरह से ग्रेट करके डालती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आप अगर ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस है तो बिल्कुल ना डालें। और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देते हैं। बस ये रेडी हो गया। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है बहुत झटपट और आसान तरीके से। आज हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है दोस्तों। ब्रेकफास्ट के बाद में हम सफाई में लग गई। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि कल गणपति आने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी क्लीनिंग भी बाकी रखी थी करने के लिए, तो वो कर लिया है। अभी फ़िलहाल 12 बज गए हैं और अभी मैं कुछ नहीं, बहुत थक गई हूँ। तो इस वजह से मैं अभी ये ग्रीन टी पी रही हूँ। और ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा लंच बनाएंगे। लंच के बाद भी उसके बाद भी बहुत तैयारी करनी है क्योंकि डेकोरेशन वगैरह थोड़ा बहुत करना है, वो करना है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है ना देख रहे हैं बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मतलब कंटिन्यू हो रही है। फिलहाल देखते हैं मज़ा ना ख़राब हो जाए कहीं गणपति का, और देखते हैं इस बार क्या होता है। क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से ना ज़्यादा कहीं घूमना फिरना नहीं हो पाता है और हर जगह पानी पानी हो जाता है, तो आपको पता ही है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरे बहुत सारे काम बाकी है। मेरी लाइटिंग कंडीशन अच्छी है। हाँ यहाँ पे आप शायद मुझे देख पाए जैसे। हाँ तो अभी मैं बात करी, कप ऑफ ग्रीन टी ली है मैंने। काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये आपको टॉक्सिन जो है आपके बॉडी के निकालने के लिए। तो ग्रीन टी आपको दिन में कम से कम 3 कप तो पीना ही चाहिए। तो अभी ये मेरा फर्स्ट कप है फिलहाल क्योंकि मैं ज़्यादा ही बिजी थी इस वजह से, और बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो अभी मैं ग्रीन टी ख़त्म होने के बाद जो बाकी के बचे हुए काम है वो करूँगी। जो जो काम करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। क्लीनिंग का नहीं किया क्योंकि क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा काम था, तो या तो फिर क्लीनिंग हो पाती या तो सिर्फ वीडियो ही बन पाता। तो इस वजह से मैंने क्लीनिंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। ऐसी कोई क्लीनिंग के भी खास टिप्स तो देने वाली नहीं थी, वही सब जो आप सब अपने घर में करते हैं वही। हाँ तो अभी जो है काफ़ी तैयारी हो रही है, मेरे घर पे भी तैयारी हो रही है, नीचे बिल्डिंग में भी तैयारी हो रही है, बाहर सोसाइटी में भी आने वाले हैं, वो बड़े गणपति आएंगे तो उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। मेरे ख्याल से आज आ जाने चाहिए। होपफुली जो है सोसाइटी के जो बड़े गणपति हैं वो जो है आज ही आ जाएंगे शाम तक। तो मैं उसका भी आपको बिल्कुल दिखाऊँगी कि हमारे गणपति कैसे आ रहे हैं, उनका आगमन कैसे है। खैर अभी तो मुझे 2 साल हुए यहाँ पे, तो ये मेरा 3रा साल है और 3री बार गणपति को मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। तो बड़े धूमधाम से आते हैं। पहले वीडियो कभी शेयर नहीं किया, अब अफसोस बहुत होता है कि हाँ हमें शेयर करना चाहिए था बहुत सारी चीज़ें, पर बाद में दिमाग काम किया कि हाँ क्यों ना हम मेरी डेली लाइफ में जो कुछ हो रहा है, मैं जो कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँ। तो फ़िलहाल मैं ज़रूर शेयर करूँगी। शाम का इंतज़ार है तो गणपति बापा के दर्शन होंगे और कल फुल्ली दर्शन होंगे क्योंकि अभी तो जो है मुख दर्शन नहीं होंगे। और पर कल का ज़्यादा वेट तो करना नहीं पड़ेगा, बस कल की बात है। तो कल मैं आपको
सारे गणपति अपने बिल्डिंग के और बाहर सोसाइटी के भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और इसके आगे भी मैं बहुत कुछ आपके लिए लेकर आऊंगी। मैं मुंबई के बड़े गणपति भी कोशिश करूंगी, टाइमिंग अगर देखेंगे इनकी हस्बैंड की टाइमिंग अगर ठीक हुई, मतलब उनको ऑफ मिल गया जल्दी, तो हो सकता है कि हम मुंबई के और भी बड़े गणपति को भी जो है वो हम कवर करें आपके लिए। और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फिलहाल मैंने पहले भी आप एक गणपति का मैंने काफ़ी गणपति को कवर किया है पिछले साल यानी 2018 से। अगर आपको देखना होगा तो मैं नीचे लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मुझे ना मोदक भी बनाने हैं, तो क्योंकि वैसे तो प्रसाद वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो मैंने हस्बैंड को ही दे रखी है, तो वो जब आएंगे वो लेते आएंगे शाम के वक्त। और बाकी जो है मोदक वगैरह मैंने वहीं बाहर से ही मंगाया है, बट क्योंकि मेरा इस बार बहुत मन है कि मैं खुद भी मोदक बनाऊँ, और फिलहाल मैंने पिछली बार भी बनाया था। और मोदक मैं कैसे बनाती हूँ, अलग अलग तरह के मोदक बनाती हूँ, तो उसकी भी एक मिनट बातों बातों में ग्रीन टी ठंडी होती जल्दी जा रही है, तो आप मैं बता रही थी कि मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि भूख के लिए मुझे कल के लिए मोदक बनाने ही बनाने हैं। तो इंस्टेंट मोदक आप कैसे बना सकते हैं, वैसे तो आप जो ट्रेडिशनली मोदक हैं वो है उकड़ीचे मोदक, तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे वीडियोस भी होंगे उस पर। तो मैं इंस्टेंट मोदक बनाऊंगी और जो फटाफट से बन जाए, और अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने 3 मोदक रेसिपी शेयर की है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। केसर मावा मोदक, चॉकलेट मोदक, चोकोलावा मोदक मैंने इसके पहले भी शेयर करा है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। और ये जो मैं मोदक बनाने वाली हूँ ये भी बहुत इंस्टेंट और बहुत इनोवेटिव मोदक है, आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये ट्री ख़त्म करते हैं हम, उसके बाद बाकी काम निपटाते हैं, फिर आपको हमारे गणपति के डेकोरेशन के बारे में भी बताते हैं, और मुझे 2-4 छोटी छोटी चीज़ें लेनी हैं। दोस्तों मैं गणपति जो है वो हर साल नहीं लाती, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे गणपति के बारे में पता था, बट उसके जो क्या होता है, मतलब रीति रिवाज किस तरह से उनको लाते हैं उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने खुद से एक छोटा सा गणपति जो मैंने स्थापित ही कर दिया है, मैं हर साल उसको ही लाती हूँ, यानी मैं बार बार कोई गणपति नहीं लेती हूँ, मैं वही मेरे गणपति हैं और जिनको मैं मंदिर से लाती हूँ। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अनोखा कर रही हूँ, मैंने कई लोगों को देखा भी है और कई स्टार्स भी हैं वो भी यही करते हैं कि हमेशा गणपति नहीं लाते हैं, एक गणपति स्थापित कर दिया उसको हर साल अपने मंदिर से वो मतलब स्थापित करते हैं गणपति के दिनों में, फिर वो वापस मंदिर में रख देते हैं। तो सेम मैंने वही चीज़ की है, मैं 2 साल तो हो गया है ये करते, ये 3रा साल है। और हाँ, मगर मैं ये इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो पहले पता ही नहीं था, अब धीरे धीरे पता हो रहा है, और होपफुली भगवान गणपति बप्पा ऐसा दिन लाए कि मैं भी अपने घर जो है वो गणु बाबा को ले आऊँ, गणपति को ले आऊँ, 1.5 दिन 3 दिन आई डोंट नो कितने दिन के लिए, बट हाँ मेरी ये बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना प्रबल इच्छा है कि मैं अपने घर में भी उस तरह से गणपति लाऊँ जिस तरह से लाया जाता है, विसर्जन किया जाता है। खैर मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब सब अपने गणपति को विसर्जित कर देते हैं तो मुझे वो जो दुख होता है वो नहीं मुझे झेलना पड़ता है, क्योंकि मेरे गणपति मेरे मंदिर में चले जाते हैं। फिलहाल मैं वो गणपति का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं लाना चाहती हूँ, भगवान ऐसा दिन आप ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप समझ ही गए होंगे, वो टाइम आगे दीजिए तो बिल्कुल आप मेरे घर में वो गणपति का भी वीडियो आप मेरे देखेंगे। तो फिलहाल अभी जो मैं करती हूँ, जो मेरे समझ में आता है छोटा सा, जो मैं पूजा करती हूँ, बहुत विधि विधान वाली कोई ऐसी पूजा नहीं होती है, मुझे जो जो समझ में आया अब तक मैं जो 2 साल से कर रही हूँ मैं वही करूँगी, और आपको भी शायद अच्छा लगे, तो सब कुछ आप देखेंगे। तो गणपति मेरे पास ऑलरेडी हैं, हाँ मगर उनके लिए मुझे थोड़ा बहुत सामान तो लेना ही है, तो मुझे वो लेना है। उसके शॉपिंग का वीडियो मैं पता नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि यार बहुत बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, कभी कभी बहुत धीरे हो जा रही है, तो आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छा मतलब कवर कर पाऊँगी। बट हाँ, सामान क्या क्या लाया है वो मैं दिखा दूँगी। मुझे थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी लेना है कल प्रसाद के लिए, कल की भी कुछ तैयारी को मुझे जो है आज ही मैं ऑलमोस्ट
जो है 70% चाहती हूँ या 80% तक कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह भी बहुत काम होते हैं तो इतना मुझे करना है। तो चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा बातों में लंबा नहीं खींचते हैं और आपको काम भी दिखाते हैं हम। खैर बातों में लग जाते हैं क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया तो बात करने वाला कोई है नहीं फ़िलहाल। अभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे घर में एक सदस्य बढ़ गया है, क्योंकि मेरी छोटी बहन आई हुई है तो उसमें मेरा बहुत मन लग रहा है। तो अभी मेरे घर में जो है 4 मेंबर हो गए हैं, पहले हम 3 ही थे। तो उसके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काफ़ी टाइम तो वैसे भी पास हो जा रहा है, बट मैं आप लोगों को भी बहुत मिस कर रही हूँ। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोग मुझे देखते हैं, जितने भी देखते हैं मैं उन सब से भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ बातें होती हैं आपसे शेयर करने का मन होता है। और मेरा जो है ना लाइफ काफ़ी अब बिजी होने लगी है आप लोगों की वजह से, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, शेयर करती हूँ। बीच में मैंने बताया था कि वीडियो जो है वो क्यों इतना डिले हो गया था, जैसे मैंने वीडियो क्यों इतना डिले हो गया था, क्यों मैं नहीं डाल रही थी, तो यूट्यूब की वजह से। तो यूट्यूब से मेरा एक वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया गया था कि कंटेंट का कुछ इशू था। आई थिंक उसमें से वीडियो की क्लिप कुछ आई डोंट नो मेरे जो भतीजा है उसको उसका शायद बाथिंग सेशन का मैंने वीडियो शेयर किया था। हो सकता है ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो ये मुझे नहीं पता था तो कि बेबी के लिए भी ऐसा है। खैर मैंने वो क्लिप को फिर कट पिट करके ना फिर से एक नया वीडियो अपलोड किया। फिर उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा हो सकता है 3 महीने के लिए मेरा चैनल सस्पेंड हो गया है, तो हो सकता है मैं अब इसके बाद जो है वीडियो ना डाल पाऊँ। 3 महीने का इंतज़ार किया कि मैं, फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ, जब मैंने पूरा जब उसका देखा कि मैंने स्टूडियो में क्रिएटर स्टूडियो में जाके, फिर मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई थी ना, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ से कोई मतलब स्ट्राइक आई थी, तो मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक और वीडियो पब्लिश करके देखती हूँ, अगर ये पब्लिश हो गया इसका मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने फिर आपके साथ 2 वीडियो पब्लिश किए हैं। तो उसके बाद कि मैं ससुराल गई थी, क्यों गई थी, रक्षाबंधन का व्लॉग, इसी सब के वजह से मैंने रक्षाबंधन का पूरा व्लॉग नहीं बनाया कि मैं अभी डाल नहीं पाऊँगी, तो अगर 3 महीने बाद रक्षाबंधन का व्लॉग डालेंगे तो ये सही है या नहीं। फिर फिलहाल इस वजह से ज़्यादा कुछ उतना व्लॉग नहीं बन पाया, उतना कुछ आपको सही भी नहीं लग रहा होगा। पर उसके बाद अब से मैं जो है ना वो पूरी तरह से रेगुलर रहने का बिल्कुल ट्राई करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिए कि मुझे पता चले कि मेरा मतलब वीडियो बना भी रही है उसमें क्या कमी है, अगर आप बताएंगे तो ही पता चलेगा। फिलहाल चलिए अपना काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते करते काफ़ी बातें हो गई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं, मगर ये देखिए ये मेरा पूजा का स्थान है, यहाँ मैंने अच्छे से सफाई वगैरह सब कर दी है, यहीं पे जो मंदिर वगैरह सब साफ़ कर दिया है, सब अच्छे से क्लीन हो चुका है। और जो गणपति बप्पा हैं हम इनको यहाँ पे, आप जो इस तरह नीचे देख रहे हैं ना वहाँ पे हम इनको स्थापना करेंगे। शाम तक आपको पूरी डेकोरेशन देखने को मिल जाएगी, लाइटिंग वगैरह सब कर देंगे, तो ब्लॉग पूरा देखें। अभी मैंने देखी ये आप भिगो के रखे दाल मखनी के लिए, खड़ी उड़द, राजमा और थोड़ा सा चना दाल मैंने पहले से सोक कर लिया, ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब इसे ना प्रेशर कुकर में हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 विसल तक, यानी आप मीडियम फ्लेम पे 4 से सीटी लगा दीजिए, ये अच्छे से गल जाएगी। तो अभी कुकर में इसे डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर दें, पानी बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, आपको हम दिखा देते हैं शायद एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो देखिए इतना ही पानी यूज़ करें। अब इसमें हम थोड़े खड़े मसाले जिसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च और लौंग है, अब इन सबको ना इसी में डाल देते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा इसी के साथ, इसमें सारा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लेगी पूरी दाल। तो अब हम इसे लिड लगा देते हैं, गैस को ऑन भी कर देते हैं, 4 से 5 सीटी लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे, अच्छे से गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर दे, ये रख दिया, तो हम सीटी आने तक का इंतज़ार करेंगे, 4 से 5 सीटी चाहिए हमें, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अगेन विद द कप ऑफ ग्रीन टी, आई लव ग्रीन टी, और आपको जैसे मैंने बताया है मैं ग्रीन टी हमेशा ही लेती रहती हूँ, क्योंकि
बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। फिलहाल अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अगर आप मेरी आँखों में देखो तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, बट अभी तो अभी आधा काम कुछ बचा हुआ है और बहुत सारे जो है कपड़े भी मुझे उसको फोल्ड करना है, और उसके साथ साथ अभी और भी बहुत कुछ तैयारियाँ भी करनी है। तो अभी तो कपड़े जो है धुल के सूख गए हैं, सूखने में ही कपड़े 2 दिन का टाइम लगा रहे हैं। आप कितना भी मशीन वगैरह से धो लो पर कपड़ों तो जो छोटे कपड़े हैं उनको तो टाइम लगता है। फिलहाल वो सब सूख गए हैं तो मैं उन्हें फोल्ड करके अभी रख देती हूँ। फिलहाल अभी टी ख़त्म करनी, ग्रीन टी को मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। हमारी जो सोसाइटी के हैं वो गणपति बस आने ही वाले हैं, और आपको हम ले चलते हैं हमारे गणपति बाबा के आगमन के। तो चलिए यहाँ पे पहले आरती कर रहे हैं गणपति बापा को, जो पंडाल में ले जाने से पहले तो मैंने आरती कर रही है। अब बापा जो है वो पंडाल में जाएंगे और वो देखिए कैसे। तो देखिए इस तरह से इस गाड़ी के जो हेल्प से है वो बापा को जो है पंडाल के अंदर ले जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ईजी भी होता है काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि उतने बड़े गणपति बप्पा को इधर से उधर ले जाना इतना ईजी नहीं होता, तो इससे बहुत ज़्यादा एक छोटी सी क्रेन से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अभी ना हम पूरा जो है आपको फुल दर्शन तो नहीं हो जाएगा, मुख दर्शन बिल्कुल नहीं होगा अभी, क्योंकि वो कल पूजा के बाद ही आपको होगा। तो हम उसका दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में ही आएगा ये सब चीज़। बिल्डिंग के भी जो है उनको तो रात हो जाएगी आते आते, तो ये सब जो व्लॉग है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए ये बिल्डिंग की प्रिपरेशन हो रही है, अभी जो है डेकोरेशन वगैरह का काम हो चुका है, तो ये सब हम आप अगले व्लॉग में देखेंगे। तो बिल्कुल व्लॉग देना ना भूलिए। अभी फ़िलहाल घर आ गए हैं, लंच जो है वो डिनर में कन्वर्ट हो गया था, तो अभी जो दाल मखनी है ना ये देखिए मैं कुक हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से गल गई है। तो यहाँ पे एक पैन जो है हमने ले लिया है, वही कुकर ले लिया है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें हमने घी डाल दिया है 3 बड़े चम्मच। और दाल मखनी आप घी या मक्खन में ही बनाएं वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तेल के कंपैरिजन। तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, जीरा थोड़ा सा चटक जाए ना, तो अब उसके बाद हम कटे हुए इसमें ना प्याज डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, अब इसको डालने के बाद तेल में अच्छे से इसे चला देते हैं, फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई तो आपको पता है प्याज जब तक थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक अच्छे से भुनना है। ये देखिए
प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब जब प्याज का कलर चेंज होने लगा तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो वो डालने के बाद ना इसको भी हम ना एक मिनट के लिए इसका कच्चापन निकलने तक भून लेते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ना कटे हुए टमाटर। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो उसको अच्छे से कट कर लिया है, चॉप कर लिया महीन, और अब हम इसे डाल देते हैं इसमें। अब इसी के साथ सूखे मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच हम छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल देते हैं। तो सारे सूखे मसाले इसमें डालेंगे, थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाए। इसी के साथ चुटकी भर हम हल्दी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसे थोड़ा सा इसमें ना रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लेयर चिली पाउडर मैंने इसमें दिया है, बहुत अच्छा कलर भी आएगा। अगर थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी अलग से डाल सकते हैं। तो हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये देखिए अच्छे से टमाटर गल ना जाए और तेल इस तरह से छोड़ ना दे, तब तक ये बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसमें हमारी जो दाल है बॉयल हो गई है वो डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को फिर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम जो इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी ऐड करेंगे। कोई भी ग्रेवी बनाइए या कुछ भी बनाइए तो आप गर्म पानी ऐड करिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ठंडा पानी डालेंगे तो बिल्कुल टेस्ट एकदम ब्लेंड हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। पानी उतना डालिए जितने आपको ग्रेवी रखनी है, तो नमक और पानी साथ में मिक्स कर देते हैं। अब इसे ना हम स्लो फ्लेम पे और ढक के बहुत अच्छे से, आप जितना ज़्यादा देर पकाएंगे दाल मखनी का स्वाद उतना ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ मैंने देखिए 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब जो है इस 20 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैंने यहाँ अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है। आप चाहे तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ मैंने मलाई ली है, इन्हें मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें कटा हुआ बारीक धनिया डाल देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सबको डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि क्रीम भी अच्छे से इस ग्रेवी में मिल जाए और धनिए का भी अपना अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो इन दोनों को जब हम मिला लेंगे तब उसके बाद फिर से ना हम इसे क्या करेंगे, ढक के इसे पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ हम इसे लेट बंद कर देते हैं, स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। ये देखिए कितना रिच कलर आ गया और बहुत ही अच्छा लग भी रहा है, महक भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसी के साथ ना हम एक पैन गरम करते हैं, उसमें थोड़ा सा मक्खन डालते हैं क्योंकि दाल मखनी है तो मक्खन से हमें तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मक्खन वगैरह ना खाना चाहें तो आप स्किप कर दीजिए। अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली डाल देते हैं, कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। अब इस तरह से जब ये अच्छे से गर्म हो जाए और कश्मीरी रेड चिली का जो है मिक्सचर वो हम इस दाल मखनी के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कलर भी और रिच हो जाता है। तब हम इनसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है धनिया वो ऐड कर देते हैं और ऊपर से थोड़ी सी और जो क्रीम है ना उससे डेकोरेट कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है हमारा दाल मखनी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी ये, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और बहुत इंस्टेंट है। तो दाल मखनी रेडी हो गई है। इसी के साथ साथ ना मैंने राइस जो है वो रेडी कर लिया है और रोटी मैंने रखी है इसके साथ। तो देखिए डिनर रेडी हो गया है। अब आपको हम दिखा देते हैं ये देखिए लाइटिंग वगैरह और इस तरह से फ्लावर डेकोरेशन वगैरह हमने कर दिया है। और ये देखिए छोटा सा सिंहासन बनाया है हमने अपने गणपति के लिए। हमारे गणपति बहुत बड़े नहीं हैं, छोटू से हैं, तो उनके लिए सिंहासन बनाया है। इस तरह से कुछ डेकोरेशन की है और कुछ और डेकोरेशन है वो जो है ताजे फूलों से करेंगे, वो कल सुबह करेंगे, जिसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपके लिए मोदक रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और गणपति पांडाल के भी मैं बहुत सारे गणपति जो हैं उनकी भी लिंक दे दूंगी, तो देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय।